तो ये था वो गिफ्ट जो हमने आपको कहा था हम दिखाएंगे कि किसका है ये गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट हमने आपको व्लॉग में दिखाया था। तो ये है जी मामी जान का गिफ्ट, ये हमने देना था मामी जान को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे घर आए हैं मामू, तो हाय बोल दे, ईद मुबारक कह दे। ये हमारे आए हैं दूसरे मामू, कल आए थे वो दूसरे जी मामू। तो ये माँ जी के हैं भाई और हमारे हैं मामू, तो आ जाए हैं अचानक से। ये देखें जी ईद दिन, ये मामू जो मिलाद कराते हैं आपने वीडियो देखी होगी, तो ये मामू से आप तो वाकई नारे भी सुने होंगे आप जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह देखे, ये बड़ी तकलीफ में है, इसको कमर की मेरे भाई को तकलीफ है, लेकिन इसके बावजूद भी जाहिर है कि ये त्योहार है तो भाइयों को थोड़ा होता तो है। मामी जान नहीं आई क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, भाभी की भी तबीयत जरा बहुत खराब हुई है इसलिए वो नहीं आई है, वरना वो हमेशा माशाल्लाह वो जरूर आती है। तो आप हमारे बड़े मामू से भी मिले और आप हमारे इन मामू से भी मिल रहे हैं। तो माँ जी हैं केक लेकर ईद पे, और ये देखिए जी केक लेकर और ईदी देने आए हैं। तो चलें जी अब हम बैठ के बातें करेंगे, तो मिलते हैं कुछ देर बाद जी। हम कर रहे हैं बातें, मामू को देख के हो गई है इमोशनल। इतनी देर बाद क्यों आए हैं? ये देखे जी मामा इमोशनल हो गई है। ये देखे जी ये बहन भाई आमने सामने बैठे, मेरे आने से रोना तो मैं चला जाता हूँ। ओ खुशी खुशी के भी तो आंसू होते हैं, तो देखिए दो तरह के होते हैं, अभी खुशी के आंसू भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। तो ये देखिए जी ये खुशी के आंसू हैं जो आपके आने की खुशी, देखिए इस टाइम पे मामू आए और अचानक से तो मामा खुश हो गई हैं अपने भाई को देख के। तो ये मामू भी लग रहे इमोशनल हो रहे हैं, क्लोज ले रही मुझे तुसी हो गई नानी अम्मा। तो मामा खुश हो जाए। तो ये भी हम मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त मैं क्या खिलाऊं। मामू आलू चने खत्म हो गए, आज बनाए इस दफा बनाए ही नहीं है। वैसे मैंने कहा पड़े रहे हैं खा, पर ये कुड़ियां बनाईया सन वो भी शाम को खत्म। और सलाम करता हूं हर बार बड़ा सोना है कि ओदे नाल भी सोना है। मां जी कह रही हैं बात फोन पे। अच्छा और वही तो कह रही हो आपकी कोई बात, मामी जान आए नहीं ना, मिस कर रहे हैं। हाँ वो कह रही है मामी जान आपको मिस कर रहे हैं, आपने व्लॉग में आना था, आपका गिफ्ट हम भेज देंगे आप कबूल कर ले लो। आज आना है तो मैं कुछ ना कुछ तो बना लेती ना, आज अभी हम शाम को
बल्ले पकौड़ियाँ बनाई थी वो खत्म करके चना चटनी पता चलता ना दही अभी भी पड़ा हुआ है, पकौड़ियाँ भी है, आलू भी है, सब कुछ है। अगर दो घंटे दे दो भाई को छुट्टी तो फिर मैं बना भेज भी दूंगी चलो जी सब प्यार दे देना मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम। ये ले जी फोन पे बात हो गई मामू की मामा की तो केक ही काट लेते हैं मामू का। मामू कुछ भी नहीं खा रहे, अब आप देख रहे होंगे देखे मामू मामू कुछ भी नहीं खा रहे। हम मामू को बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं तो मामू कुछ भी नहीं लाइक कर रहे, कह रहे मामू जा रहे मामू इधर लगे तो नीचे से नीचे चली हम उठा लेंगे कंफर्टेबल नहीं हो रहे मामू ना बड़ा खुला प्रोड्यूसर है कभी किसी का राजा नहीं भी हो आज ही हमें इतनी दूर से केक देने आए थे ये देखे जी मामू ईदी दे रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान ये देखे जी मामा को दी है ईदी और ये देखे जी थैंक यू सो मच आपका मामू की ईदी का मामू भी कुछ सोच रहे हैं थोड़ी देर रखे ना अच्छा मामू के तो खर्च नहीं करना बस इस तरह बांटते रहना सारा यार इसी ये बढ़कर डलती रहेगी ओए व्हाइट फैमिली दुआ करे कुछ निकल आए ये देखे ओए ओ ये देखे जी थैंक यू सो मच थे मुझे पकड़ने दो मामू कहाँ से पकड़ने देती चले जी बहुत शुक्रिया थैंक यू जब भी कैमरा पकड़ा थैंक यू सो मच मामू ये देखे जी मामू से ईदी मिल गई है मामा को भी और हमें भी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे आमीन सुमामी मामू केक भी नहीं खाना कुछ भी नहीं खा रहे मामी जान का गिफ्ट लेकर आओ जल्दी से शुक्रिया भी बहुत बहुत अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे रहे जिंदगी दे रहे अपने आप आ गए यही बहुत है मामा खुश हो गई हैं इमोशनल हो गई हैं मामी जान का गिफ्ट कि उनकी तबीयत नहीं ठीक चले आती तो हम खुद देते हाँ जी फोन पे बात हो गई है ये था वो गिफ्ट जो हमने आपको कहा था हम दिखाएंगे कि किसका है ये गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट हमने आपको व्लॉग में दिखाया था तो ये है जी मामी जान का गिफ्ट ये हमने देना था मामी जान को तो ये नहीं 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 वो हमने ये व्लॉग में दिखाया था जब लेकर आए थे कि हमने ये सरप्राइज गिफ्ट एक देना है हाँ जी तो ये है जी सूट जा रहा मामी जान का इसके अंदर नहीं जी मामी जान सिलवा के पहनेंगी इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद करते हैं मामी जान को पसंद आएगा मामू बैठे
सफर भी है ना काफी। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। चलें जी मामू जा रहे हैं, ये देखें जी मामू बाय बाय कर दे जी मामी जंका के चलें जी चलें जी मामू जा रहे हैं। और मामू इतने प्यार से केक लेकर आए हैं, तो मामा निकालें जरा। तो मामा केक तो बड़ा यमी यमी लग रहा है, बेटर देन ईदी वाह वालों का ब्रांडेड केक, और जो कि आज हम खाएंगे। तो मामा जरा ओपनिंग करें। तो भाई को जरा तकलीफ है कमर की, उसे बैठा नहीं जा रहा, उनको पेन होती है ना पीछे बैक कमर पे। भाभी भी बहुत बीमार थी इस वजह से वो नहीं आई, वरना हमेशा वो आती। ये रेड वेलवेट का केक है मामा, मैंने आपकी बर्थडे में नहीं उस पे जो आपको सरप्राइज दिया था, ये अंदर से रेड है होगा। और जो मैंने माँ जी को मदर लव पे वीडियो में दिया था, सेम वही है। कर सकते कि ये देखिए रात के जी अपने हाथ से गिफ्ट देना चाहती थी, तो चले जी मामू के थ्रू चला गया। तो मामी जान इसको कबूल कीजिएगा, और जरूर हमारे दोनों मामू से मिल चुके हैं, तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। चले मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वाह इसको कटिंग करते हैं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट केक है। तो मामा ये जरा कटिंग करें। लगी है बिस्मिल्लाह, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये होगा जी अंदर से रेड वेलवेट का केक, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने कहा कि मामा कितने प्यार से काट रही हैं। ये आने लगा है रेड, वो देखा मैंने कहा था ये रेड निकलेगा, ये वही केक जबरदस्त। अच्छा ये वही जो बहुत जबरदस्त केक है। अब हम खाते हैं केक, तो अल्लाह हाफिज़।